अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो फिर से फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पे, लेकिन आज की वीडियो स्पेशल होने जा रही है। उसकी एक स्पेशल रीज़न है और स्पेशल रीज़न को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बताते चलो वही हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि है 12 kg, मॉडल नंबर आपके सामने मौजूद है। और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इंतहाई कपड़ों को किस मोड पे वॉश किया जाए कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। इससे पहले हमने बात की है कि वो कौन से डिफरेंट मोड्स के अलावा मेथड्स हैं जिनको मैन्युअली हम बना के कपड़ों को फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम मोड की बात करेंगे। वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो बार बार कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि क्या फ़ायदा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्रॉपरली कपड़े तो वो वॉश नहीं करती, गंदे कपड़े गंदे ही रह जाते हैं, उनको धोने का क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वॉशिंग मशीन ऐसे नहीं है कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को बना दिया गया है और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो कपड़ों को वॉश नहीं करती, गंदे कपड़ों को साफ नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर नीड इसको बिल्ड किया गया है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लगता है। बस ये होता है कि हमें प्रॉपर ये पता नहीं होता कि किस मोड पे कितने कौन कौन से स्टफ को वॉश किया जाए और इंतहाई गंदे कपड़े किस मोड पे वॉश हो सकते हैं। सो अगर हायर की इस वॉशिंग मशीन जिसका मॉडल नंबर 1201678 है, वन टच सोल्यूशन की बात करें तो इसमें एक ऐसा मोड है जिस पे आपके कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिखाते चलो, यहाँ पे इसके अंदर मैंने कपड़े ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसके अलावा सर्फ 20 में जा चुका है, सर्फ की ये क्वांटिटी है। और उसके बाद हम चलते हैं इसके ऑपरेशन पे। तो इसका ऑपरेशन में आप सबसे पहले वॉशिंग मशीन को ऑन कर दें और पावर ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे गौर से देखना है। और यहाँ पे देखने से अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मोड नाम में यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे अगर देखें कॉटन इको और उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सप्रेस मोड, ठीक है। इससे पहले मैंने किसी भी वीडियो में आपको एक्सप्रेस मोड के बारे में नहीं बताया। सो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक्सप्रेस मोड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये एक्सप्रेस मोड ही है जो कि आपके इंतहाई गंदे कपड़ों को भी बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है। नॉर्मल कपड़े तो आपके डिफरेंट मोड्स पे इजीली वॉश हो जाते हैं, गंदे कपड़े भी वॉश हो जाते हैं, उसमें अगर आप डिफरेंट डिटर्जेंट लाइक सॉलिड और लिक्विड डिटर्जेंट का कम्बिनेशन बना के उनको वॉश करते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। वो कपड़े जो इंतहाई गंदे होते हैं और प्रॉपर साफ नहीं होते तो उन कपड़ों को आप इस मोड पे वॉश कर सकते हैं। सो आज हम स्पेसिफिकेशन 2 की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और स्पेसिफिकेशन 2 में हमने क्या किया, सिंपली इसके अंदर कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट भी डाल दिया और उसके बाद ऑन करने के बाद हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये वाला आया है एक्सप्रेस मोड। और एक्सप्रेस मोड का अगर जनरली एक नाम दें तो वो भी एक और इसको नाम दिया जा सकता है और वो नाम है क्विक मोड। ये एक ऐसा मोड है जो आपके बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में, यानी कि 22 मिनट्स में आपके कपड़ों को वॉश कर देता है। बट आज अगेन बात करती चलो, आज के एक्सप्रेस मोड पे हम इंतहाई गंदे कपड़ों को वॉश करने जाते हैं। एक्सप्रेस पे जाके आपके पास ये सेटिंग आती है, लेकिन आपने देखा कि कपड़ों की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा है, तो हम इस पे मुझे चाहिए वाटर लेवल हाई, ठीक है, रिंस 1 है तो 1 रिंस इज ओके और स्पिन टाइम 4 इज ओके। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, बट 4 इज ओके, ठीक है। यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड टाइम इज 28 मिनट्स। सो 28 मिनट्स में अगर आप वाटर लेवल हाई सेलेक्ट करते हैं तो एक्सप्रेस मोड पे आपके इंतहाई कपड़े, इंतहाई गंदे कपड़े भी वॉश हो जाते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाती चलूँ, दोबारा से मैंने आपको दिखाने के इसलिए ज़रूरी समझा कि बाद में आप कहेंगे कपड़े तो गंदे ही नहीं थे, हमें कैसे पता चले कि एक्सप्रेस मोड पे गंदे कपड़े साफ होते हैं या नहीं होते। उसके लिए आपको खुद से घर पे एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली करना ही करना है। अगर घर पे आपके पास ये मशीन मौजूद है या किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन मौजूद है और उसके अंदर एक्सप्रेस का मोड है तो आप वो एक्सपेरिमेंट तो खुद से करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप इसमें देखना चाहते हैं
तो ये देखें यहाँ पे, ये गंदा है, ठीक है, ट्राउजर गंदा है, इसके अलावा ये भी शर्ट गंदी है, उसके अलावा यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती चलूँ तो ये इंतहाई गंदे में, चूंकि इस पे लाइट पड़ रही है, लेकिन ये भी अच्छे भले गंदे वीडियो में लग रहा है कि ये गंदा नहीं है, बट ये भी गंदा है, ये देखें ठीक है। ऐसे कपड़ों को हम कर रहे हैं एक्सप्रेस मोड पे वॉश। सो यहाँ पे सेटिंग्स हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट, सिंपली हमने स्टार्ट पर करना है ताकि प्रोसीजर को स्टार्ट किया जा सके। सो प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लाइक एवरी सेटिंग फर्स्ट स्टेप इज वॉशिंग। सो वॉशिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक्सप्रेस मोड पे अभी हमारी हो रही है वॉशिंग, हमारी नहीं हो रही वॉशिंग बल्कि हो रही है हमारे गंदे कपड़ों की वॉशिंग। और आप देख सकते हैं कि सर्फ की आलू कम क्वांटिटी है, बट उसमें जो पानी है वो काफ़ी गंदा है, मतलब वॉशिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस मोड पे हो रही है रिंसिंग, और रिंसिंग के सिर्फ 4 मिनट्स रह गए, क्योंकि 4 मिनट्स हमारे स्पिन टाइम है, तो 8 माइनस 4, यू नो सो वेल, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू, वाह ब्रिलियंट, शाबाशी तो बनती है, इतना अच्छा मैथ्स। अब यहाँ पे वॉशिंग का प्रोसीजर हो चुका है कंप्लीट, सो इसके देखते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पहले मैंने आपको दिखाया था, एक अदद सॉक दिखाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और उसके बाद ये शर्ट आप देखें, उसके बाद मैंने आपको ये फ्रॉक दिखाई थी, ठीक है, इस पे कुछ स्टेन्स भी थे, आपको दिखाई थी, ये भी काफी अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं आप सारे कपड़े ओवरऑल, मतलब कि एक्सप्रेस मोड पे बाकी मोड्स की निस्बत आपके कपड़े बहुत अच्छी तरह से धुल जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। अब मुझे यकीन है कि आपके लिए आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किसी तरह का कोई मसला नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, तो ये कहना गलत होगा कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अच्छी तरह से कपड़ों को नहीं धोती, गंदे कपड़े गंदे ही रहते हैं और इसका कोई फायदा नहीं है। आप बस थोड़ी सी टेक्टस को यूज करें और सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप क्रोम कर लें, आप जो भी प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड या जिंदगी में किसी भी तरह का कोई मसला है, तो आप जब सर्च करते हैं चीज़ों को तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आई एम श्योर आपका ये मसला मेरी तरह हल हो चुका है। और अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।